इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओक्टा एफएक्स को गूगल क्रोम में या फिर गूगल में कैसे लॉगिन करते हैं। तो आप ओक्टा एफएक्स ऐप को, यानी कि अगर आप ओक्टा एफएक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ओक्टा एफएक्स ऐप को आप मोबाइल में तो यूज किए होंगे, लेकिन अगर आपने गूगल में यूज नहीं किया है तो इस वीडियो में हम आपको यूज करना बता देंगे। और कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसके लिए कि आपको गूगल में जो है लॉगिन करना पड़ता है, जैसे कि आपको ओक्टा एफएक्स का पासवर्ड वगैरह अगर फॉरगेट करना है या फिर रीसेट करना है या फिर पिन आप भूल गए हैं, या फिर आप यहाँ से डिपॉजिट भी कर सकते हैं, इसके साथ ही नया अकाउंट क्रिएट वगैरह करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ओक्टा एफएक्स में लॉगिन करके पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो सबसे पहला काम करना है कि क्या करना है कि आपको अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है octaFX.com। ठीक, लिखेंगे octaFX.com, उसके बाद में आपको सर्च करा देना है। सर्च कराएंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक साइनअप का ऑप्शन दिया गया है, एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे आपने जिस भी ईमेल से अपना जो ओक्टा एफएक्स में अकाउंट क्रिएट किया है उसी ईमेल को यहाँ पे डाल देना है और आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है, तो पासवर्ड आपको वहाँ से देख लेना है ईमेल से। अगर इनकेस आप भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपने यानी पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी सेव है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड आ चुका है। अब मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे आप जो है ओक्टा एफएक्स में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आपके जितने भी अकाउंट वगैरह होंगे, तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं किस अकाउंट में कितना बैलेंस है उसे भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ से आप डिपॉजिट, विड्रॉल या फिर जितना भी प्रोसेस आप ऐप में करते हो सारा कुछ आप यहां से कर सकते हो। ठीक, तो यहां पे देख सकते हैं न्यू डिपॉजिट का भी ऑप्शन दिया गया है, ट्रेड का भी ऑप्शन यहां पे दिया गया है, यहां से ट्रेड भी कर सकते हो। उसके अलावा यहां पे देख सकते हैं अगर नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो ओपन न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आप ओक्टा एफएक्स में यानी कि नया अकाउंट भी आप अपना ओपन कर सकते हैं। ठीक, और बहुत लोग क्या होता है कि अपना पासवर्ड भूल गए होते हैं, जो ओक्टा एफएक्स का पासवर्ड है जो MT4 या फिर MT5 में लॉग इन करके वहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, अगर उस पासवर्ड को भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके उसे भी यानी फॉरगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो पासवर्ड होता है, पहला तो हो गया आपने जो गूगल में लॉग इन किया ईमेल और साथ ही उसका पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड जो होता है जो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसका भी पासवर्ड होता है। तो आप उसे अगर भूल गए हैं तो आप जो है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसे जो है फॉरगेट कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए आपको पुराना वाला पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सिंपल सा रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पर अकाउंट के ऊपर क्लिक करिए, उस अकाउंट को सेलेक्ट करिए जिस अकाउंट का आपको पासवर्ड पता करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आपका जो पासवर्ड है दोबारा से रीसेट कर दिया जाएगा। अब आपका पासवर्ड अगर आ जाता है, अगर वो पासवर्ड नहीं अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है याद करने में, तो आप फिर चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके ईमेल पे करंट में पासवर्ड गया है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे और न्यू पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं उसे डालेंगे, रिपीट में उसी पासवर्ड को दोबारा से डालेंगे जो बनाना चाहते हैं, चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा, जिसके बाद में जो आप चेंज करेंगे उसी पासवर्ड से हमेशा जो है MT4 या फिर MT5 में अपने अकाउंट को लॉगिन करके जो है ट्रेडिंग को कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग अपना पिन भी भूल जाते हैं। वैसे पिन जब भी आप ओक्टा एफएक्स में अपना जो अकाउंट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडी पे जो है आपका पिन भेज दिया जाता है। तो जब आप शुरू में जो है अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप अपने जो है ओक्टा एफएक्स यानी कि अपने ईमेल में ओक्टा एफएक्स ऊपर सर्च करके चेक करोगे तो वहाँ पर जो है जो सबसे पहला मेल आपको आता है अकाउंट क्रिएट करते समय, तो वहाँ पर आपको पिन ये लोग भेज देते हैं, जिससे कि आप जब भी आप जो है अपना विड्रॉल करोगे तो बिना पिन के तो आप विड्रॉल कर नहीं सकते हो, तो आपको वहाँ पर 4 अंक का पिन देखने के लिए मिल जाता है। इन केस आप पिन भी अगर भूल गए हो, नहीं मिल रहा है, तो यहां से आप पिन भी पता कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे यानी कि ओक्टा एफएक्स पिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे दोबारा से आपका पिन भी भेज दिया जाएगा। ठीक, जिसके बाद में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओक्टा एफएक्स पिन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपके ईमेल आईडी पे पिन आया है उस पिन को जो है यहाँ पे डालेंगे, नया पिन जो भी बनाना चाहते हैं अपना 10, 20, 30, 40 4 अंक का बना के चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका पिन भी बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि ओक्टा एफएक्स को आप जो है
गूगल क्रोम में लॉगिन करके कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो यानी कि ऐप में आपसे नहीं हो रहा है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आप गूगल क्रोम में लॉगिन करके कैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।